देख रहे हो कि मैं राम की पैड़ी के पास ही हूँ। और राम गाइस, मैंने बोला था कि यहाँ पे लाइटिंग काफी अच्छी होती है, तो आप देखो कितनी सुंदर लाइटिंग हो रही है यहाँ पर। अपने आंखों के सामने 17 लाख दिए जलते हुए देख रहे हो। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप गाइज कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, वो वक्त आ चुका है जो मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए कि दिवाली का क्या प्लान है। तो मैं दिवाली का एक बहुत बड़ा प्लान बना रहा था, तो अभी रिवील करूंगा। मैं आया हूँ अयोध्या में दीपोत्सव 2022 को देखने के लिए। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया हूँ। मैं इस बार सोलो ट्रैवलिंग ना करके अपने पूरे फैमिली के साथ आया हूँ, और मेरी दीदी भी है साथ में। तो दीदी का फर्स्ट टाइम है, मेरा सेकंड टाइम है, और आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि दीपोत्सव कैसे मनाई जाती है अयोध्या में। और इस बार के चीफ गेस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, और मुख्यमंत्री जी तो हमेशा आते ही हैं। तो काफी मजा आने वाला है इस बार दीपोत्सव 2022 में। और इस बार एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल अयोध्या के नाम होने जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे 17 लाख दिए जलने वाले हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में 5 लाख दिए ज्यादा जलेंगे, यानी 17 लाख दिए जलाकर उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी यानी राम नगरी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल अपने नाम करेगी। तो चलते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अपने फैमिली के साथ इस बार ट्रैवलिंग करूंगा, तो काफी मजा आने वाला है। तो एक्साइटेड हो दीदी आप? बहुत। तो दीदी भी काफी एक्साइटेड है, तो मजा आने वाला है। तो चलते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं राम की पैड़ी की ही तरफ, और यहाँ पे लाइटिंग देखो कुछ ऐसा की गई जैसे दुर्गा पूजा में लाइटिंग की जाती है। तो दीदी, एक्साइटेड हो आप राम की पैड़ी के लिए? काफी मजा आने वाला है। रास्ते में देखो, मैं दोपहर को तो आ नहीं पाया था, यहाँ राम की झांकी के लिए जितने सारे इक्विपमेंट आए थे सब वापस जा रहे हैं। तो रास्ते में ही मुझे दिखा, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। अगर आपने राम की झांकी नहीं देखी है तो आप मेरे पिछले साल के ब्लॉग को देखना। आप यहां पर देखो, अयोध्या नगरी को पूरे सुंदर लाइटों से सजा दी गई है, और लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और सभी लोग राम की पैड़ी की तरफ ही भाग रहे हैं। इसीलिए मैं जल्दी से राम की पैड़ी की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि दीप को जलाने का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मोदी जी आ गए हैं, जो कि इस बार दीपोत्सव 2022 के सबसे बड़े चीफ गेस्ट हैं। गाइस, हम लोग राम की पैड़ी के पास आ गए हैं, और यहाँ पर देखो भीड़ देखो जरा, इतने हजारों लोग आए हैं यहाँ पर दीपोत्सव को देखने के लिए। तो भाई अंदर भी चलेंगे, फिलहाल अभी एंट्री बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ बाहर से ही लोग अभी देख रहे हैं दीपोत्सव को। यहाँ पर देखो सिक्योरिटी बहुत ही हाई है, यहाँ पर देखो पुलिस ही लोग तैनात है, और काफी ज्यादा सिक्योरिटी हाई, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो गाइस, वहाँ पे मनीष कश्यप आए हुए हैं, तो उसी के लिए सब लोग चिल्ला रहे हैं। फिलहाल गाइस, हम लोग राम की पैड़ी के पास आ गए हैं, और अभी कुछ ही देर में आतिशबाजी शुरू होगी, तो चलते आपको आतिशबाजी भी दिखाते हैं। तो देखो एंट्री स्टार्ट हो गई है, काफी मशक्कत करना पड़ा है, और मोदी जी चले गए हैं और मुख्यमंत्री जी, तो यहाँ पे आम पब्लिकों के लिए रास्ता खोल दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड है और काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, और यहाँ पे फैमिली को भी संभालना काफी मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड है। तो वो स्टार्ट होने वाला है, और इसी के चलते लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और काफी ज्यादा धक्का मुक्की हो रही है। और वहाँ पे देखो राम की पैड़ी वहाँ पर है। गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं राम की पैड़ी में, और यहां पर आप आग के सामने, अपने आंखों के सामने 17 लाख दिए जलते हुए देख रहे हो, और ये पूरे घाट में और पूरे अयोध्या में ही 17 लाख दिए पूरे जलाए गए हैं, और ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं लेजर लाइट को देखने के लिए, और जो शो होगी ना काफी मजेदार होगी। तो ब्लॉग में बने रहना, काफी मजा आने वाला है। और क्राउड बहुत ज्यादा भर गई है, कोई दीवार से ऊपर जम करके अंदर आ रहा है, कोई कहीं से भी जहां जगह मिल रही है वहां से लोग आ जा रहे हैं। तो भाई यहाँ दियो के बीचों से जाना पड़ रहा है हमें, और यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली देखो दियो के बीचों से जा रही है, कपड़े को बचा कर कहीं कपड़े में ना लग जाए, और जो दिए बुझ गए हैं उसे फिर से जलाने का काम किया जा रहा है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि 17 लाख दिए जलाना और उसे मेंटेन करना कैसे, और कितना ज्यादा इसमें ऑयल लगा होगा, तो काफी डिफिकल्ट था, जिसे अचीव कर लिया गया है। तो भाई काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है यहाँ पर उतरने के लिए, देखो कैसे फैमिली को उतारना पड़ रहा है। अरे टीना को इधर ही रख दो ना, दिए यहाँ पे कुछ बुझ चुके हैं, और काफी मशक्कत करना पड़ा यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि यहाँ जो ऊंचाई थी ना यहाँ से उतरने में काफी प्रॉब्लम हुआ जैसा कि आपने देखा। और इसी बिल्डिंग पे पूरे लेजर शो होती है, और वहाँ पे देखो पूरे दिए से घाट जगमगा रही है, और कुछ दिए यहाँ पे बुझ चुके हैं लेकिन फिर भी उसे जलाया जा रहा है। तो गाइस फाइनली आप देख रहे हो कि मैं राम की पैड़ी के घाट पे हूँ, जहाँ पे 17 लाख दिए जल रहे हैं, और यहीं पर ही लेजर शो मेरे पीछे ठीक स्टार्ट होगी, फिलहाल अभी तक स्टार्ट नहीं है, और बहुत ही बड़ी आतिशबाजी होती है जो कि देखने लायक होती है। तो फिलहाल काफी मजा आ रहा है, और काफी मशक्कत करना पड़ रहा है, मैं बता नहीं सकता, फिलहाल आप इंजॉय करो, मैं तो हूँ ही। तो भाई राम की पैड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है लाइटिंग शो का।
काफी मजा आने वाला है गाइस। यहाँ पर देखो काफी लोग एक्साइटेड हो चुके हैं, तो चलते आगे की तरफ। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा भगदड़ मचा देते हैं, जिसके चलते मैं पहले से ही रेडी था। तो भाई कुछ अलग ही व्यू दिख रहे हैं यहाँ से। लेजर लाइटिंग की शो हुई, अब फिलहाल यहाँ पे दूसरी लेजर लाइट की शो हो रही है। भाई काफी खूबसूरत नजारा है, सच बताऊ काफी खूबसूरत नजारा। अब आप देखना कि कितनी गजब की लेजर लाइटिंग होती है यहाँ पर। बैक टू बैक लाइट चेंज हो रही है और एक से एक सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखो काफी खूबसूरत यहाँ पे आतिशबाजी हो रही है। गाइस मैंने बोला था कि यहाँ पे लाइटिंग काफी अच्छी होती है, तो आप देखो कितनी सुंदर लाइटिंग हो रही है यहाँ पर। भाई काफी खूबसूरत नजारा है, सच बताऊ काफी। और यहाँ पर देखो कितने लोग आए हुए हैं भाई, पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा लोग आए हैं, खास कर दीपोत्सव देखने के लिए। अलग ही वाइब्स यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पे लाइटिंग लगभग हो चुकी है कंप्लीट, और फिर एक बार लाइटिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी, तो अगर होगा तो मैं उसे भी कवर करूंगा। फिलहाल यहाँ पे व्यू देखो आप, लोग यहाँ घाट पे वेट कर रहे हैं फिर से एक बार लाइट शो स्टार्ट होने का। एक्चुअली यहाँ पर 3 times यहाँ पे लाइट शो स्टार्ट होती है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, उसके बाद बंद हो जाती है। तो फिलहाल अभी पहला वाला जो था लाइट शो तो बंद हो चुका है, और आतिशबाजी भी हो चुकी है पूरी तरह से, और ये जो जलने थे वो भी जल चुके हैं, और यहाँ के जो चीफ गेस्ट थे पीएम मोदी और मुख्यमंत्री वो भी जा चुके हैं। दीदी मजा आया आपको? बहुत मजा आया ना, फर्स्ट टाइम देखी कैसा लगा? बहुत। सुकुल कैसा लगा? बहुत अच्छा ना, कैसा लगा रिया तुमको? और आपको सर? नंबर 1। तो क्या अब अगले साल भी आने का कोई? जरूर जरूर आएंगे, ज्यादा हो गया।
तो अगर आप राम की पैड़ी में आते हो तो आप एक दिया जरूर जलाना, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो मन्नतें होती है ना वो पूरी हो जाती है। तो मैंने किसी दूसरे की मन्नत वाली दिए को अपने दिए से जला रहा हूँ, अब उसकी मन्नत अच्छी होगी तो मुझे मिल जाएगी। तो फाइनली मेरी मन्नत वाली दिया जल चुकी है, बुझे ना भाई, अब सगुन हो जाएगा। तो फिलहाल गाइस शो यहाँ पर खत्म हो गई है फाइनली, और यहाँ पर देखो शो खत्म होने के बाद सब लोग जा रहे हैं घर, और बहुत लोगों की जो मन्नतें हो रही है ना वो दिया जला रहे हैं। तो फिलहाल हम भी चलते हैं घर। तो फाइनली यहाँ पे शो खत्म हो चुका है और मैं अपने फैमिली के साथ निकल पड़ा हूँ घर के लिए। फिलहाल काफी अच्छा लगा, मेरा दूसरा दीपोत्सव मैंने देखा है और अटेंड किया है तो काफी अच्छा लगा। इस बार तो दिए काफी ज्यादा जले, तो चलते हैं अब आगे की तरफ और ब्लॉग को अब जल्दी खत्म करेंगे, और जल्द से जल्द वीडियो को अपलोड भी करना है इसीलिए एडिटिंग भी करना है। वैसे मैं घर आ गया हूँ बिकॉज मेरी मोबाइल डेड हो गई थी, पूरी चार्ज खत्म हो गई थी। और अभी रात के कितने बज रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, रात के लगभग 2 बज रहे हैं, काफी लेट हो गया है, तो जल्दी से वीडियो भी एडिट करना है और काफी ज्यादा थक गया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको दीपोत्सव 2022 काफी अच्छा लगा होगा और मेरा यह ब्लॉग काफी अच्छा लगा, और दिवाली स्पेशल ब्लॉग आपको और ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो आपके सारे डाउट्स जो थे कि मैं दिवाली में क्या करूंगा सारे क्लियर हो गए और आपको काफी मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों से शेयर करो ताकि सबको पता चले कि अयोध्या नगरी में, हमारे प्रभु राम की नगरी में दीपोत्सव कितने अच्छे धूमधाम से मनाई जाती है, ताकि बहुत लोग आए और दीपोत्सव का एक जो व्यू था देख के काफी अच्छा लगे उन्हें। तो मिलते हैं ऐसी एक मजेदार जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर।